गुरुग्राम के बादशाहपुर में स्वर्गीय राकेश दौलताबाद विधायक की पत्नी कुमुदनी राकेश दौलताबाद ने एक बड़ी रैली की, जिसमें बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने हाथ उठाकर अपना समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि राकेश जी की कार्यनीति उनके नहीं रहने के बाद भी जारी रहेगी। क्षेत्र की जनता से उन्होंने विधानसभा चुनाव में भारी मतों से जिताने की अपील की, ताकि वह अपने पति के अधूरे कार्यों को पूरा कर सके। रैली को स्वर्गीय राकेश दौलताबाद के पुत्र ने भी संबोधित। राकेश जी तो कभी कभी यूं भी कहते थे कि बादशाहपुर की जनता ही बादशाह है, और क्योंकि इस विधानसभा का कोई फैसला कोई निर्णय बादशाहपुर गांव के सहमति के बगैर नहीं हो सकता। बादशाहपुर में जब आपको अलॉटेड प्लॉट्स की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी, तब राकेश जी ने हस्तक्षेप लिया और आपके हक के लिए जमीन दिलवाई। आप सबको पता है कि राकेश जी ने वाल्मीकि समाज हो अथवा कश्यप समाज, यहाँ हर बिरादरी के लिए चौपाल का निर्माण करवाया। आज समय आ गया है कि भाई भाई के बीच में दरार डालने वाले को सही जवाब देने का। राकेश दौलताबाद का बहुत ही प्यार मान सम्मान दिया, बेटों ने भी, बेटियों ने भी और बड़े बुजुर्गों ने भी हमेशा उसका साथ दिया। और जैसे मैं उसकी माँ हूँ, ऐसे ही बादशाहपुर की मिट्टी भी उसकी माँ थी। मेरी तकलीफ नहीं देख सकता था, ऐसे ही वो अपने इस इलाके में रहने वालों की भी तकलीफ नहीं देख सकता था जरा सी भी। आप सभी को नमस्कार। यहाँ पे मेरे दादा दादी, चाचा ताऊ, चाची ताई और मेरे भाई बहन जो सभी यहाँ पे आए हैं, आप सब यहाँ पे आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप से आज मैं यहाँ पे कोई भाषण देने नहीं आया हूँ, सच्ची बताऊं तो मेरे को देना नहीं आता, इसलिए मैं नहीं दे रहा। मैं आज आपसे कुछ बात बताने आया हूँ, आपको जो पापा की विचारधारा थी उसके बारे में बात करने आया हूँ। सबसे जरूरी चीज जिसके ऊपर हमें बात करने की जरूरत है वो है राजनीति नहीं, कार्यनीति। ये जो कार्यनीति है ना, ये कई लोगों को पता तो है ये कि पापा कार्यनीति करते हैं, पर क्या है कार्यनीति ये समझना सबसे जरूरी चीज है। सबसे जरूरी ये चीज है क्या है कार्यनीति। जैसे हमारे कितने किसान भाई, हमारे कितने लोग जो खेती करते हैं, पापा ने सबसे ज्यादा मेहनत वो करते हैं, और फल कौन ले जाता है, जो उनकी सामान की पैकेजिंग कर देता है, जो उन्हें आगे बेच जाता है, वो सारे पैसे कमा जाता है। सभी को राम राम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मैं ज्यादा कुछ कहते उन्हें आज भाई, हम तो एक बात कहते हैं, देखो राकेश बेचारा हमारे बीच में नहीं रहा, हमारा विधायक, तो आपको उनकी धर्मपत्नी कुमुदनी राकेश दौलताबाद, तो उसका बिल्कुल तहे दिल से पूरे जोर लगा के अब के हमने
राकेश का, वो जिसने जो सेवा करी है उसका बदला तारक है। और भाई कुमंदनी राकेश को जिता के चंडीगढ़ भेजना, जो अधूरे काम पड़े वे पूरे करने हैं, उसको भी चेहरे को जब भी शांति होगी, जब जो जो वो वादा करके जा रहा है उसके काम पूरे होने चाहिए। राकेश भाई, राकेश, मैं दिलीप सिंह प्रवासी समाज से बिलोंग करता हूं और कॉलोनियों में रहता हूं। आज से 25-26 साल से हरियाणा में हूं। मैं बताना चाहता हूं, मैं अपना अनुभव बताना चाहता हूं, अपने भाइयों का अनुभव बताना चाहता हूं कि 2019 के पहले हम लोग केवल एक भीड़ का मात्र बनते थे। अगर भीड़ बनानी हो तो बोला जाता था दिलीप सिंह आ जाओ कुछ आदमियों लेकर के, ये होता था। लेकिन 2019 के बाद में हम लोग अगस्त में जुड़े थे भाई से, लेकिन उस दो महीने में हम लोग इतना मेहनत किए, भाई के नजर में हम लोग चढ़ गए। और आप लोग विश्वास नहीं होगा कि जीतने के बाद भाई ने इतना काम कराया, इतना काम कराया कि पूछिए मत, जो हम लोग को पूछ नहीं होता। इस उम्र में मुझे सरपंच बनाया है तो इस उम्र में मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहता, क्योंकि गांव वालों ने राजनीति करने के लिए नहीं, काम करने के लिए बनाया हूं मैं। और आप लोगों ने भी विधायक इस उम्र में बनाए थे तो काम करने के लिए ही बनाए थे। राकेश भाई, राकेश, बहन कुमुदनी, आप लोग सभी यहां पे पधारे हैं, ये सब भाई राकेश का प्यार है। उनके विरोधी कहते हैं कि 5 साल के अंदर भाई राकेश दौलतावादिया ने इस विधानसभा में कोई विकास कराने का काम नहीं किया। साथियों, एक ऐसे विधायक जो कि हमने देखा नहीं था कि इन्होंने लाखों लोगों के घर बचाने का काम किया। साथियों, सबसे ज्यादा जो कलोनिया पास बादशाहपुर विधानसभा के अंदर हुई है वो भाई राकेश के कार्यकाल में हुई है। आज तक किसी भी विधायक ने यहाँ कलोनी पास कराने का काम नहीं किया। साथियों, अब मैं बात करूं शिक्षा के क्षेत्र में भाई राकेश दौलतावादिया पिछले 15 सालों से काम कर रहे थे। कार्यनीति चल रही है, उस कार्यनीति को तो कोई समझ नहीं रहा है, लेकिन राजनीति को सब समझ रहे हैं, क्योंकि आज हर बंदे के जुबान पे राकेश नाम है। किस वजह से उसने कार्य किए हैं, लेकिन आज भाई नहीं है तो लोग बाग साथ छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं वो साथ, ये बताओ मुझे, क्या उसके घर से कोई नहीं है? क्या भाई के है आज भी रह आबाद दिला में, भाई राकेश दौलतावादिया रही जिंदाबाद दिला में।